हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ये चेस वर्ल्ड। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एक्सकेवेशन सेफ्टी हजार्ड्स एंड कंट्रोल मेजर्स। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट हम जानने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ एक्सकेवेशन एंड ट्रेंच एंड द डिफरेंस बिटवीन एक्सकेवेशन एंड ट्रेंच। तो चलिए देखते हैं। एक्सकेवेशन, एन एक्सकेवेशन इज एनी मैन मेड कट, कैविटी, ट्रेंच और डिप्रेशन इन एन अर्थ सर्फेस फॉर्म्ड बाय अर्थ रिमूवल। जमीन की सतह पे किसी प्रकार की गई खुदाई, मानव या मशीन द्वारा की गई खनन या खुदाई को एक्सकेवेशन कहते हैं। नेक्स्ट डिफिनेशन हम देखेंगे ट्रेंच का। ट्रेंच मींस ए नैरो एक्सकेवेशन मेड बिलो द सरफेस ऑफ द ग्राउंड। इन जनरल द डेप्थ इज ग्रेटर देन द विड्थ, बट द विड्थ ऑफ द ट्रेंच इज नॉट ग्रेटर देन 15 फीट। जमीन की सतह के नीचे की गई एक संकीर्ण या पतली खुदाई को ट्रेंच कहते हैं। समान तौर पे गहराई जो है चौड़ाई से अधिक होती है। तो आपको यहाँ पे एक्सकेवेशन और ट्रेंच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं हजार्ड्स इन एक्सकेवेशन। तो अब हम जानने वाले हैं हजार्ड्स इन एक्सकेवेशन, कौन कौन सी हजार्ड्स एक्सकेवेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है। फर्स्ट, अंडरग्राउंड यूटिलिटी और बरीड सर्विसेज सच एज वाटर पाइपलाइन, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल केबल, दिस कैन लीड टू इलेक्ट्रिकल शॉक, आर्किंग, बर्न्स एंड फायर्स। गैस पाइपलाइन, एक्सप्लोजन हजार्ड्स, हाई प्रेशर आर यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट नेचुरल गैस थ्रू अंडरग्राउंड लाइन, दैट मे रिजल्ट इन एक्सप्लोजन। केबिन और कोलैप्स ऑफ साइड वॉल, एक्सकेवेशन का साइड वॉल कोलैप्स हो सकता है। फॉल ऑफ पर्संस इनटू पिट, फॉल ऑफ मटेरियल्स एंड ऑब्जेक्ट्स, कोलैप्स ऑफ एडजेसेंट और नियर बाय स्ट्रक्चर। एक्सकेवेशन के नजदीक में अगर कोई स्ट्रक्चर है उसे कोलैप्स होने की संभावना है, यानी गिरने की संभावना है। पुअर एक्सेस एंड एग्रेस, वाटर एक्यूमुलेशन इन एक्सकेवेटेड पिट फ्रॉम सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर या सरफेस वाटर से पानी का इकट्ठा होने की संभावना है। प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक गैसेस, लैक ऑफ ऑक्सीजन, इट इज कॉल्ड ऑक्सीजन डिफिशियंट एटमोस्फियर इफ ऑक्सीजन इज लेस देन 19.5%। नेक्स्ट हजार्ड है मैकेनिकल हजार्ड, सच एज हिट और स्ट्राइक बाय द मूविंग इक्विपमेंट, ओवरहेड पावर लाइन, पुअर कम्युनिकेशन बिटवीन ऑपरेटर एंड बैंक्समैन। तो ये सारी हजार्ड्स एक्सकेवेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है। अगला हम देखने वाले हैं कंट्रोल मेजर्स और प्रिकॉशंस। डिटेक्शन एंड मार्किंग ऑफ अंडरग्राउंड यूटिलिटी, एक्सकेवेशन स्टार्ट करने से पहले केबल डिटेक्टर या मेटल डिटेक्टर से अंडरग्राउंड यूटिलिटीज का पहचान करना है। सेफ मेथड ऑफ एक्सकेवेशन, सेफ स्टोरेज ऑफ लूज सोयल अर्थ फ्रॉम द एज ऑफ एक्सकेवेशन। एक्सकेवेशन के एज से जो भी लूज सोयल है या लूज अर्थ है उसे एक सेफ डिस्टेंस पे हिप करना है। मेथड ऑफ सपोर्टिंग एक्सकेवेशन सच एज, यानी कि एक्सकेवेशन कोलैप्स न हो उसे हमें क्या मेजर्स लेनी है, जिसमें सोरिंग है, शील्डिंग है जिसे ट्रेंच बॉक्स भी बोलते हैं, स्लोपिंग है और बेंचिंग है। तो ये सोरिंग, शील्डिंग और स्लोपिंग, बेंचिंग जो है एक्सकेवेशन साइड वॉल कोलैप्स न हो उसके लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स है। नेक्स्ट है बैरिकेडिंग ऑफ एक्सकेवेटेड पिट, डिस्प्ले ऑफ साइन बोर्ड्स, अरेंजमेंट ऑफ डिवाटरिंग, इन केस ऑफ वाटर एक्यूमुलेशन आपके पास डिवाटरिंग का अरेंजमेंट होनी चाहिए, रिस्ट्रिक्शन ऑफ क्लोज मूवमेंट ऑफ इक्विपमेंट एंड व्हीकल नियर द एक्सकेवेशन। हेवी व्हीकल और इक्विपमेंट का मूवमेंट एक्सकेवेशन पिट के नियर बाय रिस्ट्रिक्ट होनी चाहिए। अरेंजमेंट ऑफ सेफ एक्सेस एंड एग्रेस, सेफ एक्सेस एंड एग्रेस का अरेंजमेंट होना चाहिए, जैसे कि लैडर, रैंप एंड स्टेप्स एटसेट्रा। तो ये रहा कंट्रोल मेजर। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।